हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट, लाइक फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो हमने ब्लैंक ले लिया एक पेज। अब यहां पर आता हूं, यहां पर एक टाइम लिखता हूं, लाइक मैंने लिख दिया 11, ठीक है, 00 इस तरीके से, और फिर यहां कर दिया 12, 00, फिर यहां पर कर दिया 13। अब देखिए यहां 11 12 किया मैंने। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं इस तरीके से, ये देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे आए और इसको ड्रैग करते हुए चले गए। तो अब 13 14 15 बज रहा है, अब ये टाइमिंग है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट हमें बदलना है, हम चाहते हैं कि ये 13 14 15 16 के फॉर्मेट में ना आए। जैसे ही 13 बजे तो वहां बच जाए 1, जैसे ही 14 बजे तो वहां बच जाए 2, तो इस तरह का फॉर्मेट हम करना चाहते हैं। तो ये करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिए। यहां पर इस पूरे को ले लीजिए सिलेक्शन में, इस तरीके से ये सिलेक्शन में ले लीजिए और यहां पर कर दीजिए राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर नीचे से ये पहला दूसरा, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यूज कर रहा हूं, तो तीसरा ये चौथा ये फॉर्मेट सेल, ये आपको 2007 में भी मिलेगा आपको, तो जिस जो भी चाहते हैं आप, तो यहां पर फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई पड़ेंगे। हमें क्या करना है, हमें टाइम का फॉर्मेट चूज करना है, क्योंकि हम टाइम को चेंज करना चाहते हैं। और यहां पर ये देखिए 1:30:55 जो हो रहा है, इसको चूज कर लीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये एएम पीएम के फॉर्मेट में आ गया है और जो 11 12 13 बज रहा था वो 11 12 1 2 के फॉर्मेट में आ गया है, देख सकते हैं आप। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये फॉर्मेट चेंज करना आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।